गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में ना बिजली है ना पानी है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है, लेकिन हमास की जान की प्यासी इजरायली सेना के लिए हमास के खात्मे की राह में आने वाली ये छोटी सी मुश्किल है। लिहाजा गाजा का अल शिफा अस्पताल बमों से गूंज रहा है। इजरायल की सेना न सिर्फ अल शिफा अस्पताल के परिसर में दाखिल हो चुकी है, बल्कि बेसमेंट तक भी पहुंच गई है। अस्पताल पर इजरायल के हमले के खबर से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। सबसे पहले अल शिफा अस्पताल के नक्शे से उसके कोने कोने को देखिए। ये सर्जरी रूम है, इसके ठीक बगल में मेन गेट है जहाँ के शेल्टर में लोग छुपे हुए हैं। इसके बगल में आउट पेशेंट क्लिनिक है। अस्पताल के निचले हिस्से में मेडिसिन रूम है, बीचों बीच इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसके बगल में मैटरनिटी विभाग और इसके ठीक ऊपर यानी अस्पताल के ऊपरी हिस्से में शवगृह है। तेरह नवंबर को अल शिफा अस्पताल के परिसर में 650 मरीज, 500 स्वास्थ्यकर्मी और करीब 2500 विस्थापित लोग मौजूद थे। इन सब की जान पर बनाई है, लेकिन अस्पताल क्यों, वो भी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को इजराइल ने निशाना बनाया। विश्व बिरादरी में मानवीय संहार रोकने की अपीलों के बावजूद इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में क्यों दाखिल हुई, इस सवाल का जवाब इजराइल की सेना से सुनिए। अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है। अल शिफा से हमास इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में हमास के टॉप लीडर मौजूद हैं। इजराइल पूरे गाजा को करीब करीब राख कर चुका है। इस बात की तस्वीरें मौजूद हैं कि इजराइल ने उत्तरी गाजा के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जिसमें हमास के होने का रत्ती भर भी अंदेशा था। अल शिफा अस्पताल का लोकेशन ऐसा है कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने इसे भी तबाह करने की ठान ली। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि खुफिया जानकारी और ऑपरेशन की जरूरत के मुताबिक IDF अल शिफा अस्पताल में एक खास क्षेत्र में हमास के खिलाफ एक सटीक और लक्षित अभियान चला रहा है। इजराइल का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, चाहे शरणार्थी शिविर हो, स्कूल हो या फिर अस्पताल, जहां भी हमास के ठिकाने होने का अंदेशा होगा वहां IDF की कार्रवाई होगी। इस वक्त IDF शिफा अस्पताल के पास है और शिफा अस्पताल के हर कोने की तलाशी ली जा रही है, हर न्यू को तलाशा जा रहा है जहां हमास का सुरंग हो सकता है। दरअसल इजराइल का कहना है कि शिफा अस्पताल हमास का हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर है। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने अल शिफा अस्पताल को चारों ओर से घेर लिया है, परिसर में टैंक उतार दिया है। IDF के जवान अस्पताल के कर्मचारियों से हमास की सुरंगों की जानकारी हासिल करने के लिए उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर सर्कल ऑफ डेथ यानी मौत का घेरा बता रहे हैं। तो क्या अल शिफा अस्पताल को कब्रगाह बना देगा इजराइल? इस बीच अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि इजराइल के अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन से अमेरिका क्यों खुश नहीं है, लेकिन उसके पहले इजराइल के हॉस्पिटल में ऑपरेशन की एक और वजह देख लीजिए। अल शिफा अस्पताल का विशाल परिसर गाजा शहर के केंद्र में है, जहां हमास का ज्यादातर प्रशासनिक बुनियादी ढांचा है। ये तट के साथ चलने वाली मुख्य उत्तर दक्षिण सड़क के करीब है। इसराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके इंसान को ढाल बनाकर अपना बचाव कर रहे हैं। हमास के लड़ाके छिपने के लिए स्कूल, अस्पताल और शरणार्थी शिविरों को ठिकाना बना रहे हैं। इसराइल की सेना हमास के ऐसे अड्डों को बर्बाद करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हमास के खिलाफ इसराइल के हर उठे कदम से कदम ताल करने वाला अमेरिका अल शिफा अस्पताल पर हमले से नाराज है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के मुताबिक
संयुक्त राज्य अमेरिका उन अस्पतालों में गोलीबारी नहीं देखना चाहता जहां निर्दोष लोग, चिकित्सा देखभाल करने वाले मरीज गोलीबारी में फंस गए हैं। हमने इस पर इजरायली रक्षा बलों के साथ परामर्श किया है। अमेरिका की यह हमदर्दी हमास को पसंद नहीं आ रही। हमास इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर एक मानता है। हमास के नेता इसलिए मॉस्को भी पहुंचे ताकि अमेरिका इसराइल के खिलाफ पुतिन का साथ मिल सके। लिहाजा हमास ने अमेरिका के एक्शन पर रिएक्शन दिया है। व्हाइट हाउस और पेंटागन द्वारा कब्जे के झूठे दावे को अपनाने से की प्रतिरोध अल शिफा चिकित्सा परिसर का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए कर रहा है। उन्होंने कब्जे को नागरिकों के खिलाफ और ज्यादा नरसंहार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। हमास की सुरंगें 500 किलोमीटर लंबी बताई जाती हैं, जो पूरी गाजा पट्टी में ही नहीं इसराइल की सीमा के अंदर तक फैली हो सकती हैं। इन सुरंगों में हमास ने सालों से हथियार जमा कर रखे हैं। गाजा की इन सुरंगों की कहानी बहुत दिलचस्प है। इन सुरंगों को नष्ट किए बिना गाजा पर इसराइल का पूर्ण कब्जा नहीं हो सकता। इसराइल की सेना का कहना है कि उनके सामने दिक्कत यह है कि हमास की सुरंगों के दरवाजे कई जगह किसी अस्पताल में खुलते हैं, स्कूल में खुलते हैं, मस्जिद में खुलते हैं, रिफ्यूजी कैंप में खुलते हैं। जाहिर है इसराइल की सेना ऐसी जगहों पर हमला करेगी और हमास चीखेगा, चिल्लाएगा। इस वक्त भी अस्पताल के परिसर से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। इसराइल का कहना है कि उसने लोगों को बाहर निकलने के लिए 12 घंटे की मोहलत दी। उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। इवन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2500 लोग मौजूद हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने एक बयान में गाजा पट्टी में इसराइल की कार्रवाई की आलोचना की और कहा कि गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में मर रहे महिलाओं बच्चों की मौत का अब अंत होना चाहिए। ट्रूडो के बयान पर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा जवाब दिया है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर ट्रूडो को संबोधित करते हुए लिखा, ये इसराइल नहीं है जो जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, बल्कि यह हमास है जो लोगों के गर्दन काट रहा है, उन्हें जला रहा है और नरसंहार कर रहा है। हमास का हमला यहूदी नरसंहार के बाद यहूदियों पर की गई सबसे भयानक त्रासदी है। इसराइल आम नागरिकों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, जबकि हमास लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। हमास के खिलाफ इसराइल के एक्शन के बीच अब तक कोई नहीं आया है। ईरान या तुर्की का समर्थन या मिस्र की मानवीय सहायता सिर्फ दिखावे भर की है। इसराइल गाजा पर दम भर हमले कर रहा है। सात अक्टूबर से जारी इस युद्ध में इस्लामिक लड़ाकों को खत्म करने की अपनी कोशिशों में इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में 4,300 जगहों पर हमला किया है। इस जंग में फिलिस्तीन के 11,240 लोग जान गंवा चुके हैं, वहीं इजरायल के 1,400 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा करीब 240 लोगों को हमास अब भी बंधक बनाए हुए है। बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश करने का दावा करता रहा है, लेकिन हमास ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। अब इसराइल की सेना के अलशिफा अस्पताल में दाखिल होने के बाद हमास बंधकों को छोड़ने का मानवीय अधिकार भी मानने से इनकार कर देगा। इसराइल की सेना अलशिफा अस्पताल पर जल्दी से जल्दी कब्जा कर लेना चाहती है ताकि वो हमास के दूसरे ठिकानों पर जल्दी से जल्दी हमास के लड़ाकों का खात्मा कर सके, जिसका नतीजा है कि इसराइल ने हमले तेज और खतरनाक कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से जारी इजराइल वॉर में 2,00,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी देश छोड़ चुके हैं। गाजा के शायद ही ऐसी कोई जगह बची हो जहां इसराइल ने अटैक नहीं किया, मतलब बम नहीं बरसाए। ये अमेरिका की चिंता है, जिसके मुताबिक उसने इसराइल से अल शिफा अस्पताल पर एयर स्ट्राइक नहीं करने की अपील की है। इसराइल जिस तेवर में है उसे देखते हुए ये असंभव नहीं लगता कि इसराइल एयर स्ट्राइक का विकल्प कभी खत्म करना चाहता है। गाजा के खिलाफ हमले की शुरुआत इसराइल ने हवाई हमले से ही की थी, जो अब जमीन पर कहर बरपा रहा है। हालांकि इस युद्ध में सिर्फ फिलिस्तीनी या हमास के लड़ाकों की मौत नहीं हो रही, बल्कि उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इसराइल के दो और सैनिकों की मौत हो गई है। इसी के साथ ग्राउंड ऑपरेशन में जान गंवाने वाले जवानों की संख्या 44 हो गई है। इसराइल इस वक्त मौतों की काउंटिंग नहीं कर रहा,
न अपनी न फिलिस्तीनियों की। अंतिम हमास के लड़ाके के मारे जाने तक इसराइल युद्ध जारी रखना चाहता है। सवाल है कि ये तारीख कब आएगी और इस बीच कितने बेगुनाह मौत की नींद सुलाए जाएंगे, कितने मासूमों की जान की बलि लेगा इसराइल युद्ध।